इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एचएस की जो रेलिंग है उसके बारे में। ये जो पोर्शन है, पहले भी मैं बोल चुका हूं आपको कि ये वेस्ट साइड है, तो वेस्ट साइड में स्टेयर्स यूज किया है। यहाँ जो डिजाइन है, बेसिकली ये जो डिजाइन है, ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं जनरली यूज करते हैं घर में, तो इसका रेट जो अभी है, ये चंडीगढ़ रीजन है और इस चंडीगढ़ रीजन के अंदर 550 रुपीस पर स्क्वायर फुट पर फीट के है, स्क्वायर फुट नहीं है ये, पर फीट के है, रनिंग फीट है, तो वो रनिंग फीट के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ज करते हैं 550 रुपीस। तो अभी इसकी जितनी भी लेंथ होगी 50 फीट हैं या 40 फीट हैं, तो मल्टीप्लाई बाई फोर ये 550 रुपीस तो उसके होगा, तो उतने वो चार्जेज लेंगे। यहाँ इम्पोर्टेंट सेक्शन क्या है कि स्टेयर्स जो है वो नॉर्मली यूज की हैं वेस्ट साइड में अकॉर्डिंग टू दी वास्तु। ये पोर्शन यहाँ पर फ्री छोड़ दिया है, ये थ्री स्टेयर्स जो है वो रखे हैं और थर्ड पे जो है ना आपका ये मेन जो है ना पिलर यूज किए हैं। इसको छोड़ने का पर्पज ये है कि ये प्लेस जो है समटाइम्स जब कोई फंक्शन हो तो उसमें एज ए सिटिंग प्लेस यूज हो सकता है। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप चलते हैं तो इस साइड में ये थोड़ा डेकोरेटिव करने के लिए ये एसएस की चेन यूज की है, और इस साइड में इन चेन्स के साथ में रिफ्लेक्शन क्या है एक्चुअली कि एक तो ये वेस्ट साइड है, कुछ एरिया साउथ वेस्ट का भी है, तो उस तरीके से यूज किया है, थोड़ा डेकोरेटिव लगता है। और इस पॉइंट पर जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक ये सीमेंट की जाली है एक्चुअली, और ये यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो बाथरूम था इस बाथरूम के ऊपर है, और ये सीमेंट की जाली एंड देन आफ्टर ये पीवीसी की जाली है, और इसकी बैकग्राउंड में इसके बाथरूम के ऊपर जो है आपका स्टोर है। तो मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा इसका रिफ्लेक्शन दिखा दूँ, स्टेयर्स का तो ये एसएस की है और 550 रुपीस पर रनिंग फीट इसका चार्जेस यूज किया है। तो अभी सिचुएशन ये है, तो यहाँ से जब आप देखते हैं डाउन स्टेयर तो आप उस पोर्शन को इस वे में देख पाएंगे, ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं ये चेन है, और इस टाइप से ये फिर सेकंड फ्लोर्स के लिए माउंटी, और ये फिर आप बाहर निकल जाते हैं। तो ये आपका रेलिंग के लिए एसएस स्टील यूज किया है, और इसको 302 जनरली बोलते हैं, 302 जो नंबर है उसको ये कहते हैं कि स्टेबल है, और कोई भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी कंडीशन में वाटर कॉन्टैक्ट या दूसरे मॉइस्चर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने अकॉर्डिंग भी डिजाइन यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ ये मेरे लिए तो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था जो मैं अभी सोच रहा था जिस तरीके से किया है, तो ये बोथ साइड कनेक्ट वेल्ड कर दिया है। ऊपर आप देखें एक रोड को यूज किया है, और वहाँ रोड को फिक्स करने के बाद इन को फिक्स कर दिया है ये। तो ये स्ट्रक्चर जब आप इस साइड से देखें तो वेस्ट साइड है, और ये कॉर्नर जो है साउथ वेस्ट का है, और यहाँ पर ये हैवी मेटल यूज किए हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग वास्तु के अकॉर्डिंग भी जो है ये चीज़ बियरेबल है यहाँ पर, तो देर इज़ नो एट सच प्रॉब्लम, और लुक वाइज भी इट अपीयर्स वेरी गुड फ्रॉम माय पॉइंट, एंड ये चीज़ डिपेंड भी करती है पर्सन टू पर्सन। तो अब आप इसका लुक देख सकते हैं, तो वो ये है, तो ये एसएस की रेलिंग के साथ में, एंड थैंक्स। थोड़ा सा मैं और आपको दिखा दूँ, ये
पोर्शन अभी एग्जैक्टली मैं ये साउथ वेस्ट कॉर्नर में हूँ और ये डोर का प्राइमर हुआ है इस साइड में, ये अभी डोर पेंडिंग है, तो ये सिचुएशन एट परचेज। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होप कि आपको कुछ आइडिया मिलेगा।